सोल का एक बेहतरीन विनर विनर चिकन डिनर उनका यहाँ पे इंतजार करता हूँ। बट मैच अभी खत्म नहीं हुआ, मैच टेक डाउन करेंगे वाइपर को, रेगल टॉस को स्पॉट कराए या फिर नहीं पड़ेगा जोन के अंदर। टीम सोल मीनवाइल व्हीकल लेकर के जा रहे टीम कॉल लाइन के ऊपर एंड दो प्लेयर्स को यहाँ पर मिट। अच्छा ग्रेनेड यहाँ पर स्काउट के बहुत ज्यादा करीब जा रहा है, जी नहीं अभी के लिए पीछे की तरफ जा चुका है, अभी के लिए बच चुके हैं पर गौतम अपने आप यहाँ पर एक्सपोज करते खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। आप यहाँ पर मेरे ख्याल से अपनी जो एमो है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे, उसको थोड़ा सेव करते हुए नजर आ रहे हैं। टीम हीरो के लिए अभी एक जो मुश्किल वाली स्थिति है वो ये है, ओके ये एक ग्रेनेड आएगा, दो प्लेयर्स को डाउन यहाँ पर करने में कामयाब हुए। एक और जो ग्रेनेड है वो कुक किया जा रहा है, ये एक सही वक्त है पुश करने का और यहाँ पे पुश कर दिया गया, व्यक्ति गोज डाउन। इवो यहाँ पे ऊपर की तरफ जरूर से मौजूद है, थोड़ा सा फंबल जरूर से कर रहे हैं यहाँ पर अभी के लिए टीम हीरो के प्लेयर। वहाँ पे टीम ऑरेंज लॉक के जो प्लेयर्स उनको रिवाइवल मिल रहा है और मैं यहाँ पर बोलूंगा इवो यहाँ पर आ जाएंगे। गलती कर दी टीम हीरो ने, बहुत ज्यादा टाइम दे दिया संभालने का टीम ऑरेंज लॉक को। टीम हीरो के लिए सेम चीज नहीं की जा कही जा सकती है, उसके एफर्ट देखिए बहुत ज्यादा कम एंड अगर पुश करते तो भी यही चीज हमें देखने को मिलती। बाकी के जो दो प्लेयर्स हैं वो रिवाइवल के लिए पीछे की तरफ अटके हुए थे, वो अभी भी वहीं रह जाएंगे। आपके पास और एक अर्ली एलिमिनेशन। मीनवाइल टीम यू डॉग और टीम एक्सो की जो फाइट है वो एक बार फिर से हमें इनिशिएट होती नजर आ रही है। एक बॉलर टॉप उन्होंने पेका जरूर से था लेकिन कुछ कुछ जो डैमेज है वो भी पंख के ऊपर गया। लेट्स सी यहां पर क्या होता है, फियर्स जो वहां पे क्लोजिंग करेंगे, 1v2 ऑलरेडी कर चुके हैं वहां पे, सोलो मैन स्टैंडिंग बचेंगे टीम यू डॉग के। टीम एक्सो अभी एक रैंपेज पे हमें देखने को मिलते हुए एंड फियर्स जो है वो यहां पर एक एक करके जो फिनिश प्लेयर है उनका इनफैक्ट नॉक प्लेयर जो उनका फिनिश सिक्योर करने के लिए जाएंगे और अब एक सोलो मैन स्टैंडिंग जरूर से बचते हैं टीम यू डॉग के। देव एक स्मोक उन्होंने किया है एंड टीम एक्सो को क्या ये आइडिया है कि ऊपर प्लेयर मौजूद है, मेरे ख्याल से शायद आइडिया है फ्री फायर देकर के आएंगे टीम यू डॉग का सफाया। टीम गड्डी है तो उनके पास मौका रहेगा एक क्लच करने का, बट इस तरफ अगर हम बात कर रहे हैं टीम फॉरएवर की, उनकी फाइट चल रही है स्पोर्ट्स के साथ, सवितार जो है वो अपने टीममेट्स को यहां पर कवर फायर देने के लिए आ रहे हैं बट बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज है अभी, ब्रेक ले गए हैं, स्किल्स के पास मौका है उसको डाउन करने का। सवितार की हेल्थ बहुत ज्यादा लो जाती है यहाँ पर, फ्रैंकी को रिवाइव देना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, रैक्शो से यहाँ पर ये फाइट निकालनी पड़ेगी एंड वो निकाल भी रहे हैं। दो प्लेयर्स को वहाँ पर नॉक करके कंफर्म करने की कोशिश की जा रही है, सवितार साथ साथ में कवर देने के लिए आ चुके हैं, सवितार का स्प्रे लगातार चलता जा रहा है। इस तरफ अगर हम बात करें स्किल्स की, वो इंतजार कर रहे थे मौके का, वो मौका आया भी, थोड़ा फायदा उठाया भी ने वाला है। इवन तो ग्रेनेड जो था वो बहुत ज्यादा करीब था, सवितार यहाँ पर बहुत अच्छा अवेयरनेस दिखाते हुए मैक्स कास्ट ऑन द अदर हैंड ऑलरेडी चार जो फिनिश है वो निकाल चुके हैं अपनी टीम के लिए। अबरार जो है वो डाउन है जिसका पूरा आइडिया यहां पर सवितार को है, जिस वजह से यहां पर पुशिंग करते हुए नजर आते हुए 1v1 का फाइट, सवितार आसानी से उस फाइट को निकालेंगे। प्लेयर डाउन था, एक प्लेयर पीछे की तरफ था, वहां पे अकेले पूरी फाइट को जरूर से निकाला लेकिन टीम हीरो और टीम ऑरेंज रॉक ये फाइट तोड़ दे पहले रुकी जरूर से थी और यहां पर क्रीट ने स्पॉट करके डाउन के एंड को जो फिनिश है वो भी सिक्योर कर लेंगे। टीम हीरो का क्या कमबैक आ पाएगा, हालांकि बात करें क्रीट की बहुत ही ज्यादा लो ऑन एचपी जरूर से थे बट इस स्पेसिफिक गेम में फोर्सफुल स्पोर्ट्स का पोजीशनिंग बहुत ज्यादा बेहतरीन है, उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। सवितार को भी वहां पर स्पॉट किया था, व्यापार के पास मौका था बट मौके का पूरा फायदा भी के लिए नहीं उठा पाए। साथ साथ में अगर हम बात करें इनसेन सैम की, उन्होंने भी कुछ कंफर्मेशन अपनी टीम के लिए निकाले, टीम इनसेन की वापसी यहां पर हो रही है, मैक्स काश ये बचे हैं बट सवितार को बचा नहीं पाएंगे, उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी बीट आउट होती हुई। मैक्स काश अपने आपको एक्सपोज किया था, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा, थोड़ा डैमेज पड़ चुका है बट ग्रेनेड उनकी तरफ से रुक नहीं रहे, क्या दिक्कतें बढ़ा पाएंगे वो देखने वाली बात रहेगी। पंजे टीम ऑरेंज रॉक से सोलो मैन स्टैंडिंग जो है ईवो अभी के लिए वो कुछ बढ़िया प्रदर्शन जरूर से दिखा रहे हैं लेकिन कितनी देर तक यहाँ पर उनका भी एलिमिनेशन हमें देखने को मिल जाएगा। रिवाइवल यहाँ पर देने के लिए जाएंगे फियर्स जो आखिरी टाइम तक बचे हुए थे, एक्सपोज नहीं हुए थे एंड वो अपनी टीम को टॉप टू में लेके गए थे एंड वही चीज अभी आई थिंक वहां पर हाइड्रा के प्लेयर रैच जो है वो करना चाहेंगे बट इस तरफ फियर्स उन्होंने यहाँ पर धावा बोल दिया है। पंक जो है वो उसी दिशा में देखते हुए नजर आ रहे हैं, इट माइट बी पॉसिबल कि उनके वो भनक लग चुकी है कि शायद वहां पर कोई एक खिलाड़ी हो सकता है। इट्स अ 3v3, एक ग्रेनेड आएगा, 3v हो जाएंगे डाउन, टीम एक्सो कैन दे पुल इट ऑफ वो देखने वाली बात रहेगी, क्या स्पॉट करने में कामयाबी मिल पाएगी वहां पे टीम एक्सो को, देखें इंपॉर्टेंट को स्पॉट करके डाउन करने की कोशिश लेकिन ये तो एक बेट था। यहां पर टीम फोर्स वन के प्लेयर जो वो एक एक करके नॉक हो रहे और अब जो रिवाइवल पीछे मिला था 3v2 में जो सिचुएशन है वो जरूर से कन्वर्ट हो चुकी है। इमॉर्टल आगे की तरफ जाएंगे लेकिन उनको डाउन करने में कामयाबी मिल जाएगी। पंक जो है क्या बढ़िया यहां पे ऑफ गार्ड आकर क्लियर करे, एक को डाउन किया, नाउ इट्स अ 1v1 सीनवी वर्सेस फियर्स, इट्स अ 1v1 इन द एंड सर्कल, लेट्स सी यहां पर क्या होता है। सीनवी रिवाइवल के लिए जाते हुए फियर्स जो है वो बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे कवर फायर देते हुए, इमॉर्टल वहां पर होते हैं खत्म। अब पता चल चुका है फोर्स वन को कि जो आखिरी प्लेयर बचे हुए उन पे पुश करना पड़ेगा, वाशु वहां पर हील अप करने की कोशिश करते हुए राइट साइड पे बट सीनवी ने वहां पर बुलेट्स दिए, थोड़ा सा समय दिया वाशु को, वाशु अभी भी लेटे हुए एंड वहां पर उनको डाउन किया गया, बेहतरीन ड्रॉप शॉट आता हुआ फियर्स की तरफ से, 1v1 का फाइट हुआ सीनवी एंड यहां पर फोर्स वन ईस्पोर्ट्स विनर विनर चिकन डिनर लेके जाता हुआ से आ रहे हैं। गाड़ी कहां से आ रही है, शॉट्स कहां से आ रही है, तो वो इसमें पूरी तरह से ऑफ है। चलते हैं यहाँ पर फ्लाइट पाथ पे एंड देखते हैं एक हॉरिजॉन्टल फ्लाइट पाथ जो कि एल हजर, बिल्कुल चारों के चारों खिलाड़ी उनके सर्वाइव कर रहे हैं। अलादीन यहाँ पर आ जाएंगे स्पॉट करके, एक प्लेयर को डाउन किया, क्या ये टेबल टर्न होने की शुरुआत है
वो देखना पड़ेगा। लेकिन नहीं, यहाँ पर स्प्रे गॉड को डाउन कर दिया गया और अब अलादीन जो है वो सोलो मैन स्टैंडिंग बचते हैं। रिवाइवल बहुत ज्यादा मुश्किल रहने वाला है, बिकॉज टीम एरिंगबा यहाँ पर पॉसिबल होने नहीं देगी। वो एक प्लेयर को स्पॉट करके डाउन किया, काफी ज्यादा ओपन में टीम एरिंगबा के जो एक खिलाड़ी है वो जा रहे थे। अलादीन अपने आप को हील करेंगे और अब आप देखिए लॉकर भी वही गलती दोहराते हुए ओपन में जाएंगे इस बार अलादीन, लेकिन पीछे जाएगा कवर फायर, ये थोड़ी गलती करती। हेलमेट जो है वो भी डैमेज हो चुका है, हील करेंगे। क्या अलादीन यहाँ पे क्लच कर पाएंगे, ये एक देखने वाली बात जरूर से रहने वाली। हालांकि बहुत ज्यादा मुश्किल जरूर आया था, बट वो काम नहीं आने वाला। रेगल टॉस बहुत ही प्यारे तरीके से वहां पर कंफर्मेशन भी निकालते हुए एंड एक फिनिश आता हुआ यहाँ पर सोल के खाते में। सोल अभी भी हार्ड कवर के अंदर है, जाना पड़ेगा जोन के अंदर। टीम सोल मीनवाइल व्हीकल लेकर के जा रहे टीम गॉड लाइक के ऊपर एंड दो प्लेयर्स को यहां पर मिड रोटेशन स्पॉट किया गया, नॉक एंड फिनिश इंस्टेंटली कर दिया जाएगा। फाइनली टीम गॉड लाइक की अगर हम बात करें, नियो के रूप में एक कैजुअलिटी जरूर से आई थी टीम सोल की साइड से, लेकिन अभी के लिए मेरे ख्याल से यहां पर 1-1 जो सिचुएशन है वो हो चुकी है। बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि गॉड लाइक के तीन प्लेयर्स एक छोटे से घर में रहने वाले हैं एंड वहां पर औरंगी टैन जो है वो पीछे जा चुकी है, वो यहां पर बैक स्टैप करेगी। सोल अभी दो प्लेयर को खोया था, अभी तीसरे प्लेयर को भी खो दिया है। सोल के पास आखिरी प्लेयर बचे हैं, बट गॉड लाइक यहां पर वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या बेहतरीन वापसी जोनाथन वहां पर एक्शन में आते हुए, उन्होंने आई थिंक ग्लोबल स्पोर्ट्स के एक प्लेयर को फिर से डाउन किया। रिवाइवल शायद आ सकता है, बट 8 बिट की अगर हम चर्चा करें, उन्होंने यहां पर एक और फाइट निकाली, दो प्लेयर्स उनके भी अलाइव। जोनाथन यहां पर ग्रेनेड के लिए जाते हुए, इनको पता है सोल जो है पीछे की तरफ दिक्कत में है, तो अब अपने आप को थोड़ा बहुत एक्सपोज कर सकते हैं, वो चीज यहां पर नजर भी आती हुई। इस तरफ अगर हम बात करें स्काईलाइट्स गेमिंग की, वो एलिमिनेट करते हुए रंगीटैन ईस्पोर्ट्स को, बहुत बेहतरीन फाइट वहां भी हमें देखने को मिली थी। क्लच गॉड एक तरफ है, उनको पता चल चुका है एनिग्मा सामने है, ग्रेनेड उन्होंने एलिमिनेट कर दिया था, वही स्ट्रेटजी मुझे यहां भी देखने को मिल रही है। क्या यहां पर अभी फिर से उस चीज को रिपीट कर पाएंगे? मुझे ऐसा लग रहा है गॉड लाइक फंस सकती है एंकी। अब एक 3v3 में सिचुएशन कन्वर्ट हो चुके, स्पॉट किया गया, वहां पे क्लच गॉड को डाउन कर दिया गया, वहां पे वी गॉड जो है वो एक्शन में आएंगे। एक अच्छा ट्रेड जो उन्होंने जरूर से लिया है टीम एनिग्मा के, अब दो प्लेयर्स नॉक्ड आउट जरूर से। टीम गॉड लाइक की बात करें, जोनाथन एंड वी गॉड के कंधों पर अब पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी है वो आ चुकी है। जोनाथन अभी के लिए थोड़ा आगे जरूर से जा रहे हैं, मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम बाई करना चाहेंगे जितनी देर में जो क्लच गॉड है उनको रिवाइवल मिल जाए, बट लेट्स सी यहां पर क्या होता है। बट मीनवाइल देखते ही देखते अगर हम बात करें तो ये फाइट जो है वो जा चुकी है टीम गॉड लाइक के पाले में। 6 फिनिशेस आ जाएंगे उनके पास, एक प्लेयर नॉक्ड जरूर से, बट उनको इजीली जो रिवाइवल है जो है वो उतना ज्यादा बेहतर नहीं बनेगा। बट कनेक्शन की हम चर्चा कर रहे थे, कनेक्शन बनाएंगे जोनाथन, वो निकालते हुए एक नॉक, गमला बॉय का आता हुआ एक ट्रेड, बट यहाँ पर अक्षय, तीनों टीम्स एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर बुलेट्स की बरसात कर रही है, नॉक्स काउंटर नॉक्स हर टीम से मिलते हैं। एक नॉक जो है देखने को मिल जाएगा, फाइनल बॉस जो है वो हो जाएंगे नॉकआउट। मीनवाइल अगर हम बात करें जोनाथन की, तो वो यहां पर अभी रुकने का नाम नहीं लेगा, अक्षय को भी स्पॉट किया था। टीम राइवलरी का जो खात्मा है वो हो चुका है, नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली टू टीम्स, इट्स अ 3v2 बिटवीन टीम रेवेनेंट एंड टीम गॉडलाइक। जी हाँ बिल्कुल, जो डायनेमिक डुओ है, जो डेडली डुओ है जी गॉड एंड जोनाथन का, वो अभी भी अलाइव है एंड वो है हाई ग्राउंड पे। रेवरेंट ईस्पोर्ट्स नीचे की तरफ मुझे नजर आ रही है, जी गॉड एंड जोनाथन अभी के लिए जोन के अंदर जाना शुरू करते हैं। जोनाथन एक प्लेयर को स्पॉट भी किया, बट एनकोर का जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके पास भी एक अच्छा हाई ग्राउंड है, वो जोनाथन को किसी भी समय पर स्पॉट कर सकते हैं। कर लिया गया स्पॉट, उनको दिया गया थोड़ा डैमेज, जोनाथन को भी स्पॉट किया गया एंड बेहतरीन स्कारल की स्प्रे से ऑस्ट्रेलिया ने यहां पर पहला नॉक निकाल लिया है। 1v3 का सिचुएशन यहां पर बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है, पैराडॉक्स क्रूजिंग करते हुए दिख रहे हैं। जी गॉड की हेल्थ बहुत ज्यादा कम है, क्या उनके पास हेल्थ किट बची है वो एक बड़ा सवाल रहने वाला है। अभी के लिए हेल्थ किट बची हुई थी, हेल्थ किट लगा भी ली है, बट रेवेनेंट जो है वो रुकने वाली नहीं है, वो थमने वाली नहीं है, वो आगे बढ़ती जा रही है। M249 है ऑस्टिन बॉट के हाथ में, 1v1 का सिचुएशन, जी गॉड यहां पर उठेंगे, बट क्या गॉड लाइक उठेगी? जी हां बिल्कुल, जी गॉड पहला नॉक निकालते हुए दूसरी तरफ गए, तीसरी तरफ गए एंड यहां पर फिर से 1v1 की फाइट में गए, बट जो नंबर्स थे रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स के पास वो बहुत ज्यादा बेहतरीन एंड उसके दम पर यहां पर स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है टीम एनिग्मा और टीम इंसेन के बीच में, जहां पे गॉब्लिन ने एक काफी दूर जो प्लेयर मौजूद थे रेक्स, उनको स्पॉट करके डाउन किया, वीकर लेकर के अब आगे जा रहे हैं टीम इंसेन जाने जाते अपने अग्रेशन के लिए। क्या यहां पर मुश्किलें बढ़ा पाएंगे? एक और प्लेयर को स्पॉट करके डाउन कर चुके हैं लॉकर एंड एक ही दो प्लेयर यहां पे सरवाइव करेंगे एंड यहां पर लॉकर जो है वो थोड़ा संयम बरतते हुए, लेकिन सामने से उनके आ चुके हैं संयम, क्या स्पॉट कर पाएंगे? जी हाँ, एक और प्लेयर को डाउन किया टीम एरिग्मा के, जो अब सोलो मैन स्टैंडिंग बचते हैं। आदि तुरंत रश करने की कोशिश करेंगे, मैक्स काश वहां पे एक अच्छा ग्रेनेड करते हुए सारे को डाउन किया, आदि सीधा आने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे M16 का फर्स्ट शॉट हो गया अलविदा। बड़ा बट वहां पे टीम फॉरएवर वर्सेस 7C की जो फाइट है एंकी, वो भी चल चुके, वो इस बोलती की बात वो भी यहाँ पे डाउन हो चुके, बट फिलहाल के लिए मैक्स काश डाउन से पूरी तरीके से खत्म किए गए। बट स्प्रे गॉड यहाँ पे कोशिश कर रहे थे और भी प्लेयर को डाउन करने के लिए, बट नहीं, वो खुद यहाँ पे डाउन किया गया। आदि को भी अकेले बचा
से सस्पे किया जाएगा साविटार के द्वारा, ओएस को वापस से रिवाइव किया जाएगा और टंकी के ऊपर स्प्रे जरूर से दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक एक भी बुलेट का कनेक्शन आएगा नहीं। ओएस बोलते जो है वो यहाँ पर व्हीकल लेकर के आगे जा रहे हैं, टीम वेलोसिटी के प्लेयर रुक चुके हैं, आतंकी यहाँ पर डाउन हो जाएंगे, व्हीकल जो है उनका वो बर्स्ट आउट हो जाएगा एंड अब यहाँ पर टीम वेलोसिटी को फाइट लेनी पड़ेगी। क्या आतंकी को रिवाइवल मिल पाएगा वो एक देखने वाली बात है, लेकिन मीनवाइल ओवेस हो जाएंगे डाउन, यहाँ पर ऑलरेडी आउट नंबर्ड हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन क्रेटोस को भी डाउन कर दिया। टीम फॉरएवर जो है वो यहाँ पर अभी हार मानने वाले नहीं है, सविटार जो है वो यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हुए स्नैक्स के साथ एक वन वीवर हो सकता है, लेकिन पीछे से ऑलरेडी स्प्रेज उनके ऊपर आ रहे हैं, स्नैक्स का जो जहर बर्स्ट है वो हमें देखने को मिल जाएगा। दलजीत के कंधों पर एक जिम्मेदारी और अभी के लिए एक ऑफ गार्ड एंगल क्रिएट किया उन्होंने, फ्रैंकी की एचपी बहुत ज्यादा कम थी और उसका फायदा दलजीत ने उठाया, सिक्सेस का एक बहुत ज्यादा बेहतरीन स्प्रे फिनिश करने में नाकामयाब बढ़े। ये वाला ग्रेनेड स्नैक्स पे कनेक्ट हो सकता है, ताकि पहले से डाउन फिनिश हो सकते हैं स्नैक्स की बात करते हैं, एचपी को काफी ज्यादा कम हो चुके थे, किसान वन मिनट का सिचुएशन दे जिगल और इसी के साथ पूरी स्क्वाड यहां पे टीम फॉरएवर के एलिमिनेट हुई। सिक्सेस की बात की ऑलरेडी उन्होंने एक अच्छा ग्रेनेड को करा, वो ग्रेनेड कनेक्ट हुआ तो गॉडलाइक के प्लेयर डाउन होते हुए नजर आएंगे, बिल्कुल जी गॉड डाउन हो चुके हैं, जॉनथन का एचपी बहुत ज्यादा कम है, घातक मौजूद वहां पे है, जरूर एक और ग्रेनेड आता हुआ क्या इस कामयाब हुए या नहीं हो पाए और घातक अभी भी आखिरी प्लेयर बचेंगे, जोन के अंदर अपनी रोटेशन को लेकर के जाएंगे, तारीफ करनी पड़ेगी घातक की अभी तक सरवाइव कर रहे थे, लेकिन फाइनली माइटी ने उनको स्पॉट किया। अगर यहां पर राइट साइड जाता है तो जरूर से मुश्किल में अपने आप को पाएंगे, व्हीकल लेकर के डेल्टा पीजी जो है वो यहां पे क्लोज इन करेंगे, डाउन किया गया एक खिलाड़ी को और अब टीम रेवरेंट जो बहुत अच्छी पोजीशन में नजर आते देखते ही देखते टोटली बैकफुट बना दिए, बिकॉज अब टॉप डॉग जो है उनके कंधों पर सारी जिम्मेदारी, अक्षय जो कि नॉक आउट है फिर सिक्योर करने के लिए जाते हैं, लेकिन पीछे से डेल्टा पीजी आगे की तरफ आएंगे, क्या क्लच कर पाएंगे या फिर यहां पर हो जाएंगे फिनिश ऑफ। जी हां, टीम रेवरेंट जो उनकी पोजीशन है वो रिवील आउट हो चुकी है, टीम ऑर्गेनाइज 5 को अच्छी तरीके से पता है पोजीशन अभी के लिए, टीम स्काईलाइट गेमिंग के प्लेयर, एक अच्छा ग्रेनेड आएगा, एक प्लेयर डाउन, दो प्लेयर डाउन यहां पे, आप सोलो मैन जो स्टैंडिंग थे ओके बॉम्बर जो है वो भी यहां पर डाउन हो जाएंगे, टीम ऑर्गेनाइज 5 जो कि 4 मैन स्टैंडिंग थे देखते ही देखते यहां पर उनके जो प्लेयर्स है वो ताश के पत्तों की तरफ बिछड़ते जा रहे हैं, एंड मेरे ख्याल से यहां पर अब टीम ऑर्गेनाइज 5 से शायद एकमात्र प्लेयर जो है वो स्टैंडिंग बचेंगे। जी नहीं, यहां पे पूरी की पूरी जो स्क्वाड है उनका सफाया हमें देखने को मिल जाएगा, ये जो जोन है ये शिफ्ट होना स्टार्ट होगा, मुश्किल यहां पर रहने वाली टीम है के लिए क्योंकि बहुत ज्यादा देर कर दी। मीनवाइल अगर हम बात करें टीम के मिनी स्पोर्ट के दो खिलाड़ी वापस स्मोक का कवर लेकर के बैठे, यहां पर फिनिशेस आ सकते हैं, यहां माइट नहीं बचेंगे, दोनों मैन स्टैंडिंग यहां पर प्रोटेक्टिव प्लेयर जाएंगे, लेकिन इसी बीच अपने आपको बहुत ही ज्यादा एक्सपोज कर दिया उन्होंने एंड खुद भी हो जाएंगे नॉक। चहल की बात करें बैक टू बैक वो वापस पीक क्यों कर रहे हैं जबकि उनके पास ऑलरेडी पता है कि उनका हेलमेट बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, आप इस तरीके से पीक नहीं कर सकते, बट माइटी प्ले जोन के बाहर अपना फिनिश देना ज्यादा पसंद करेंगे, एटलेस की बात को यहाँ पे डाउन हो चुके हैं, आप देखिए एमआईएम के पास इतना अच्छा चांस था बट वो मौका उन्होंने खो दिया, इस वक्त 2v2 का सिचुएशन होता है, एमआईएम की स्क्वाड जोन के बाहर स्काईलाइट गेमिंग को देखने इंतजार करेगी, विशाल की बात पे वो भी डाउन हो चुके हैं, इसी के साथ पूरा मैच खत्म हो गया एमआईएम की स्क्वाड, ये गलती आप कैसे कर सकते हैं, स्काईलाइट गेमिंग क्या बेहतरीन गेम प्ले उनके द्वारा देखने को मिलता हुआ। चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन के चौथे मैच की जो कि है सैनहॉक का मैच, और ग्रामीण वाले अगर हम बात करें टीम वर्निक की तो उनके प्लेयर्स सर्वाइव कर रहे हैं, यहां पे टीम हैदराबाद हाइड्रास की मुश्किलें बढ़ा चुके हैं, मैंटी ओपी सोलो मैन स्टैंडिंग पोजीशन इनकी रिवील्ड है, लेकिन इस 1v1 में मैंटी जो है वो जीत जाएंगे, भली भांति परिचित जरूर से रहने वाले। जी हां, एंटो की साइड से आएगा एक बढ़िया स्प्रे, वहां पर डाउन करने में कामयाब हुए एक और प्लेयर को, और अब टीम मार्कोस गेमिंग से एक लौते मैन स्टैंडिंग बचेंगे CG7, लेट्स सी कि क्या वो यहां से कुछ कमाल कर पाएंगे या फिर जिस तरीके से फाइट जाते हुए नजर आ रही है पूरी तरीके से टीम ऑरेंज रॉक के हिस्से में वही चीज जो है वो यहां पर होने वाली। अभी के लिए दो साइड से जो स्प्रे है वो आएंगे, कुछ भी खास यहां पे करने की जो अनुमति है वो उनको नहीं दी जाएगी, एंड जी हां इजीली CG7 जो है वो जाएंगे फिनिश, इसी के साथ एलिमिनेशन टीम मार्कोस गेमिंग। बात करी जाए वहां पे गिल को जरूर उन्होंने डाउन किया, बट अल्ट्रॉन की बात की वो भी यहां पे डाउन हो जाएगा, वैंप के द्वारा क्लाउनी बैक टू बैक वो भी यहां पे डाउन होते हैं, अचानक से टीम एक्सपार्क बहुत ज्यादा मुश्किल में आने वाले, स्काउट अकेले बचेंगे अपनी टीम से, देखते हैं क्या कमाल दिखा सकते हैं, बट साइको वो भी डाउन हो चुके, इनकॉग्निटो की बात के सांगवान का एक अच्छा मॉली आता हुआ डाउन, और इसी के साथ सांगवान के मॉली के द्वारा ही खत्म किया, बट साइको की बात के ड्रगर क्या होते हैं वो भी खत्म हो जाएगा, गिल खत्म हो चुके, स्काउट शायद वो भी खत्म हो गए या फिर नहीं वो बचे वो देखना पड़ेगा, मोस्ट प्रोबेबली सर्वाइव करेंगे, बट रेवेल उनको भी सांगवान के द्वारा डाउन किया गया, सांगवान अकेले वहां पे 1v4 करने को तैयार रहेंगे, बट आइकॉनिक वो खत्म करके रेवेल को, मोस्ट प्रोबेबली वहां पे सांगवान नहीं 1v4 करा होगा, वो हमें देखना पड़ेगा, और स्ट्राइडर पीछे से रह के जो उन्होंने फिनिशेस निकाले, दो फिनिशेस निकालने में कामयाब रहे, टीम एक्सपार्क को बहुत ज्यादा मुश्किलों में उन्होंने डाला, और मोस्ट प्रोबेबली एक अकलौता प्लेयर जो कि स्काउट बचेंगे अपनी टीम से इस वक्त पानी में तैराकी लगाने को मजबूर।
पूरी कोशिश यहाँ पर रहने वाली है स्काउट की कि ज्यादा से ज्यादा जो पोजीशन पॉइंट्स है वो अर्जित किए जाए। लेकिन यहाँ पे मैं तारीफ करना चाहूंगा ग्लोबल ईस्पोर्ट्स की, फाइनली जीई फाइटिंग जिसकी हम बात कर रहे थे वो हमें देखने को मिलता हुआ। पर क्या स्काउट स्पॉटेड है या फिर वैम्पायर जो है वो अभी के लिए यूं ही? ओके जी नहीं, यूं ही तो कोई कुछ भी नहीं करता है मेजी, और यहाँ पर इजिली उनको स्पॉट करा गया, जो फिनिश है वो जाएगा सिक्योर। टीम एक्स पाक काफी जल्दी एलिमिनेट होते हुए अकेले जाएंगे, और अगर जाएंगे तो अपने आप को और भी ज्यादा मुश्किल में पा सकते हैं। टीम ऑरेंज रॉक इतना ज्यादा लेट कर दिया उन्होंने कि अब इनका सर्कल में पहुंच पाना बहुत मुश्किल, लेकिन बड़ी आस्प्रेज आएंगे। एक नॉक निकाला और अब टीम ब्लाइंड के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की पूरी कोशिश। जी बिल्कुल, खिलवा अकेले बचे अपनी टीम से, बट वैक्सी को यहाँ पे जरूर डाउन किया जाएगा। खिलवा की बात करें, अकेले बचे हैं वैक्सी से डाउन बोलते हुए टीम रेकनिंग के ऊपर नेट भी यहाँ पर स्पॉट करके एक जो है वो डाउन हो चुके यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया गेम प्ले दिखाते हुए और देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह बिखर चुकी है टीएसएम। इस तरीके से आप मेरा एंट्री नहीं दे सकते जब आपको पता है सामने टीम बहुत ज्यादा टाइम से मौजूद है, आप बहुत ज्यादा टाइम से उनसे फाइट ले रहे हैं। इस तरीके से एंट्री बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी टीएसएम के द्वारा, बट हुआ और इसी के साथ फायदा हुआ रेकनिंग का। बट सीरवी की बात करें वो भी खत्म, और इसी के साथ ओजी एलिमिनेट करेगी फोर्स वन को। रेकनिंग की बात करी जाए वो भी आपको सर्वाइव करते हुए दिखाई देंगे। ओजी के प्लेयर पूरी तरीके से तैयार, अब्रार का एक अच्छा ग्रेनेड आता है बट थोड़ा सा शॉर्ट रह जाएगा, ट्रिगर स्मोक करेंगे एक पास बनाने की कोशिश। अब्रार का एक और ग्रेनेड आने वाला है, मोस्टली ट्रिगर को यह कनेक्ट करेगा बट नहीं, वहां पर अब्रार को स्पॉट किया गया। इसी के साथ अब्रार ट्रिगर के हाथों डाउन हुए। तो स्किल्स की बात करें, स्किल्स की बात करें वो भी डाउन यहाँ पे हो जाएगा। मिस्टर स्प्रे अकेले बचेंगे अपनी टीम से, एक अच्छा ग्रेनेड मिस्टर स्प्रे के द्वारा आता हुआ। इसी के साथ ओजी की पूरी स्क्वाड एलिमिनेट हो चुकी है। दो प्लेयर दिखाई दे चुकी है, एक रैंडम स्प्रे चलता हुआ आता हुआ, और वाइपर की वहां पे दिमाग की तारीफ करनी पड़ेगी। जिस तरीके से वो एक जगह रुक गए, उनको भी पता था कि वो प्लेयर ट्रेस करेगा, वो एक जगह रुके रहेगा और अपने आप को बचाने के कामयाब के लिए आपको जाते हुए दिखाई देंगे। वीरू नीचे आ चुके हैं, रॉक्सन वाइपर आपको एक साथ दिखाई देंगे, बड़ा आदित्य और एंटो जो पेशेंस के साथ वो लोग यहाँ पे बैठे हुए, मोस्ट प्रोबेबली जो पीछे एंटो हैं वो हील बैटल करते हुए आपको एक बार फिर से दिखाई देंगे। बट नहीं, चलिए उनकी हीलिंग से आप खत्म हो चुके हैं। एंटो प्लेस उनके बाहर डाउन होंगे, देखते हैं सोल की स्पॉट फिनिश करने में कामयाब होगी या फिर नहीं। बट वहाँ पे एक ग्रेनेड आता हुआ आदित्य का, और इसी के साथ वीरू डाउन किए गए, वो भी डाउन हो जाएंगे। यू डॉग इंडिया के जो प्लेयर्स है चिकन डिनर के बहुत ज्यादा करीब आपको दिखाई देंगे। वाइपर अभी भी वो सर्वाइव करेंगे जरूर, बड़ा आदित्य भूलना नहीं है कि वो अभी भी बचे, बट नहीं आदित्य इसी के साथ खत्म हो चुके। वाइपर के बाद आगे जा जरूर रहे यू डॉग इंडिया के जो प्लेयर है, एक हील बैटल को पूछने के लिए तैयार है। रेगल टॉस की बात के वो पीछे हिल बैटल करने के लिए आपको दिखाई देंगे मिस्टेक। अकेले प्लेयर जो इस वक्त अपनी टीम से सफाई करेंगे वो भी हिल बैटल के लिए जा जरूर है। हिल बैटल वर्सेस हिल बैटल, कौन सी टीम निकालने वाली है विनर चिकन डिनर पता नहीं, बट मिस्टेक को देखना पड़ेगा। उनके पास इस वक्त फर्स्ट एड किट कितना मौजूद है देखना पड़ेगा कि रेगल टॉस के पास कितना फर्स्ट एड किट मौजूद है, बट फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वाइपर ऑलरेडी आपको जोन के अंदर दिखाई देंगे। मिस्टेक का खेल खत्म हो गया एंड फाइनली सोल का एक बेहतरीन विनर चिकन डिनर उनका यहां पे इंतजार करता हुआ। बट मैच अभी खत्म नहीं हुआ, मिस्टेक डाउन करेंगे वाइपर को, रेगल टॉस को स्पॉट कराए या फिर नहीं वो देखना है। शायद स्पॉट कर चुके थे बट मिस्टेक प्ले जोन के बाहर आएंगे खत्म होते हुए। एक वक्त के लिए तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, बट एक वक्त के लिए तो शायद जज्बात